हेलो एवरीवन, मेरा नाम अमिता पिशन। आज हम बात करेंगे निफ्टी, बैंक निफ्टी और निफ्टी अभी मंडे को सपोर्टिंग परफॉर्म कर सकते हैं। तो निफ्टी में देखा है तो निफ्टी का चार्ट काफी अच्छा ट्रेंडिंग रहा अभी देखो बैंक निफ्टी के कंपेयर में, और निफ्टी ने अपना जो ऑल टाइम हाई था उसके ऊपर क्लोजिंग दी है। यहाँ पे अभी हम सबसे पहले वीकली टाइम फ्रेम का कैंडल देख रहे हैं, तो वीकली पे क्लोजिंग दी है यहाँ पे। पर देखो वीकली पे भी ठीक है, ओवरबोट नहीं हुआ, बट डेली पे कहीं ना कहीं अभी ओवरबोट हो चुका है। तो चांसेस ये तो इमीडिएट बेसिस पे मतलब यहाँ पे इसी रेंज के आसपास या फिर 150 पॉइंट की रेंज के आसपास से वहां पर थोड़ा सा एक करेक्शन आ सकता है, और करेक्शन आना भी हेल्दी रहेगा मार्केट के लिए, ज्यादा अच्छा रहेगा। 19,851 के आसपास अगर वापस आता है तो पोजिशनल वापस यहाँ से हम एक बार मतलब बाई की साइड पे प्लान कर सकते हैं। यहाँ पे काफी अच्छा सपोर्ट रेंज बन जाएगा 19,851 का। एक होता है कि मतलब देखो मोमेंटम देता है, फिर थोड़ा सा पुल बैक लेके वापस अच्छा मोमेंटम देता है, तो फिर वो रैली ज्यादा अच्छी सस्टेनेबल होती है और ज्यादा पॉजिटिव होती है। और अभी देखो चार्ट के अंदर देखो ओवरसोल्ड और ओवरबोट जब भी होगा ना मार्केट में, तो एक बार छोटा बोलते हैं वापस से रिवर्सल आता है, जैसे यहाँ पे गिर रहा था कंटिन्यू, तो यहाँ पे आगे से ओवरसोल्ड हुआ था यहाँ पे मार्केट, तो उसका धीरे आया यहाँ पे, जैसे ये ओवरसोल्ड हुआ यहाँ पे तो रिवर्सल आता है बनता है चाहिए। तो यहाँ पे देखो 101 पॉइंट के आसपास आने के 100-125 पॉइंट की रेंज में वापस से रिवर्सल आने के चांस रहेंगे, या फिर मतलब इमीडिएट बेसिस पे आ सकता है। तो एक रेंज डिसाइड कर लो आप 100 से 125 पॉइंट की रेंज में आप डिसाइड कर लो, यहाँ पे वहां तक ओवरबोट हो जाएगा यहाँ पे, तो आने की चांस रहेंगे इसी कंडीशन में। और कल देखो हो सकता है मार्केट अभी इलेक्शन पे भी इंपैक्ट का भी रीजन हो जाएगा। अब रीजन देखो गिरने का या बढ़ने का कुछ भी हो सकता है मार्केट में, वो चीज़ें होती है कहीं पर, क्या रीजन होता है कहीं पर रीजन होता है, पर टेक्निकली यहाँ पे जो दिख रहा है उसके हिसाब से हम बात कर रहे हैं अभी। और हम डेली टाइम फ्रेम पे देखते हैं तो डेली पे क्लोजिंग तो अच्छी थी इसने यहाँ पे, लेकिन एक ही समझो यहाँ पे मोमेंटम 26 अक्टूबर से 18,829 से कंटिन्यू, मतलब इसी जगह से कंटिन्यू पूरा बढ़ा है यहाँ पे, मतलब बहुत अच्छा खासा मोमेंटम दिया, मतलब कोई बीच में कोई खास कोई करेक्शन दिया भी नहीं, हल्का फुल्का डिप तो आती है मार्केट में वो तो नॉर्मल सी बात है, बाकी इसे बढ़ा तो कंटिन्यू बढ़ा है। अच्छा तो एक बार करेक्शन अगर आता है तो फिर यहाँ पे 19,987 और 19,850 के आसपास तक के लेवल यहाँ पे देखने को मिल सकते हैं, और वो अच्छा भी रहेगा मार्केट के लिए, हेल्दी रहेगा मार्केट के लिए इस हिसाब से। ठीक है, तो अब हम बात करते हैं शॉर्ट टर्म पे क्या कंडीशन दिख रही है। शॉर्ट टर्म पे देखो अपन ने बात करी थी यहाँ पे, तो लेवल्स देख लेते हैं पहले कि इसके ऊपर यहाँ पे तो ये रिजेक्शन लेवल था, फिर ये वाला उसके ऊपर। अब देखो यहाँ पे जब ऑल टाइम हाई ये था तो इसके ऊपर हमें अननेसेसरी रिजेक्शन बनाने का नीड नहीं है यहाँ पे अब, लेकिन यहाँ पे देखो जो डे हाई बना है ना ये, इसको यहाँ पे ये हमारा रिजेक्शन लेवल की तरह काम करेगा, और इसके यहाँ से थोड़ा सा रिवर्सल अगर आता है तो फिर ये ब्रेक करता है यहाँ पे 20,223, तो फिर चांस है 20,167 तक आने के चांस रहेंगे इसमें ऐसे में, तो फिर 20,104 और ये सभी लेवल देख के वापस मिल सकते हैं, तो रिटेस्ट करने आ सकता है इस जगह पर यहाँ पर ऐसे में निफ्टी। अब हम बात करते हैं बैंक निफ्टी, तो बैंक निफ्टी का चार्ट देख लेते हैं एक बार पहले। बैंक निफ्टी का अगर वीकली हम टाइम फ्रेम देखेंगे तो वीकली पे अभी तक देखो निफ्टी कंपेयर में फिर भी अभी इसमें काफी मतलब मोमेंटम बाकी है, जैसे ये ऑल टाइम हाई से अभी काफी इसमें भी टाइम है अभी, तो ये इसका रेंज है यहाँ पे 46,254, तो अभी तो काफी इसमें रेंज है, तो ये फिर भी अभी ओवरबोर्ड कंडीशन में नहीं आया, लेकिन अगर निफ्टी गिरता है तो उसका इम्पैक्ट फिर साथ इस पर भी आ सकता है, तो वो चीज़ का थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, क्योंकि बैंकिंग सेक्टर में अगर साथ में गिरावट आती निफ्टी के साथ साथ तो वो सब में फिर थोड़ा सा आ सकती है, इम्पैक्ट इस पर भी पड़ सकता है। अब हम देख लेते हैं डेली टाइम फ्रेम पे, डेली टाइम फ्रेम पे देखो ये जिससे करेक्शन ले रहा है ये गया, फिर करेक्शन लिया हल्का फुल्का इसने यहाँ से, फिर वापस से बाउंस करा। अब ये उसमें क्या हुआ था निफ्टी में 26 अक्टूबर से कंटिन्यू एक तरफा बढ़ाया मुझे से, इसमें यहाँ पे इसने करेक्शन भी लिया, जैसे 44,410 तक चला गया था, उसके बाद यहाँ पे 43,336 तक आया था, तो मतलब अच्छा खासा करेक्शन लेके फिर बाउंस करा इसने, तो ये ठीक है यहाँ पे ऐसे में, पर वो निफ्टी में इम्पैक्ट आएगा तो यहाँ पे भी इम्पैक्ट आएगा ऐसे में। और बैंकिंग में क्या है ना अभी कोई खास मतलब कोई भी शेयर नहीं बहुत अच्छा मोमेंटम दे रहे हैं, धीरे धीरे थोड़ा सा ग्रिप बनाने की कोशिश कर रहे हैं, पर अभी कोई खास वैसी रैली वाली चीज अभी आई नहीं है। और FII का देखो फंड अभी आना शुरू हो गया थोड़ा बहुत, मतलब उन्होंने बाइंग शुरू करी है, और FII अगर बाइंग करेंगे तो जैसे प्राइवेट सेक्टर के जो बैंकिंग सेक्टर में शेयर्स हैं तो उनमें वो अच्छा अपना फंड डाल सकते हैं वहाँ पे, तो वो वेटेज फिर वहाँ पे शुरू हो जाएगा उनका, जैसे HDFC बैंक हो गया, एक्सिस हो गया, ICICI बैंक हो गया, तो वहाँ पे थोड़ा सा उनको सिक्योरिटी थोड़ा टाइट लगती है उसमें, तो वो ज़्यादा प्रेफर करते हैं ऐसी जगह पर जाना, तो उस जगह पर अगर बाइंग आती है वहाँ पे तो उसका देखने को इम्पैक्ट यहाँ पे फिर बैंकिंग सेक्टर में मिल सकता है उसके लिए, फिर यहाँ पे इम्पैक्ट चाहिए ऐसे में, तो बैंकिंग सेक्टर पर ध्यान रखिएगा वहाँ पे अगर निफ्टी बैंक निफ्टी में अगर आप ट्रेड करते हैं। अब छोटे टाइम फ्रेम पे देखते हैं 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे क्या कंडीशन रही यहाँ पे, इस जगह आसपास रिजेक्शन लेवल था पहला यहाँ पे बंद हुआ था, तो ये सपोर्ट के साथ यहाँ पे निकला, फिर ये लेवल जब इसने ब्रेक करा यहाँ पे अच्छा खासा मोमेंटम दिया, तो पूरा जो अपन ने लेवल प्लान करते 44,967 का, क्योंकि ये बात करी थी कि 45,000 के लेवल इस तरह के जब भी लेवल आएंगे तो उसके आसपास यहाँ पे ट्रैप होता है, मतलब 10-20-50 पॉइंट ऊपर नीचे करता है ये, और बैंक निफ्टी में मतलब बहुत नॉर्मल सी बात है, या तो 50-60 पॉइंट ऊपर जाके ट्रेप कर सकता है मार्केट, जैसे 45,060-70 तक चला गया सबको लगता है कि ब्रेकआउट हो गया, 45,000 का लेवल टूट गया, और वहाँ पे लोग बायर्स एक्टिवेट होने की कोशिश करते हैं, मतलब बायर्स भी क्या होते हैं रिटेल के टेक्निक एक्टिवेट होते हैं रिटेलर्स वहाँ पे, क्योंकि जो बड़ा अमाउंट लेके बैठे हैं उनको पता है कि इस तरह के पोजिशन ट्रेप होते हैं यहाँ पे,
वो यहाँ पे फिर इस तरीके पर बाइंग के लिए ऑप्शन नहीं देखते अब तक, उसको मार्केट एक बार बेस नहीं बनाता ऐसे। अब यहाँ पे इसने इसने पहले से थोड़ा सा रिजेक्शन ले लिया और रिजेक्शन लेके यहाँ पे डिप लिया। पर देखो यहाँ पे क्या ना, अभी जिस तरीके से मार्केट चला है तो मतलब पुट भी कुछ ज्यादा मोमेंटम नहीं चला, क्योंकि एक रेंज में घूम रहा था मार्केट, तो पुट भी कुछ ज्यादा तेज नहीं बढ़ी यहाँ पे इसमें, और कॉल भी कुछ ज्यादा खास मोमेंटम नहीं मिला। अब क्या ना, इस रेंज में यहाँ पे ये देखना है कोई मतलब नहीं है कि ये रखना है यहाँ पे रेंज, इसके बीच में कोई ट्रेड करने का मतलब नहीं है यहाँ पे। इस जगह पर कहीं पर अगर दिक्कत करता है यहाँ पे तो फिर अवॉइड करना, या तो ऊपर आए यहाँ पे इसको ब्रेकआउट देख निकले तो हम अगले टारगेट के लिए प्लान कर सकते हैं। फिर 45,115 110 तक के आराम से टारगेट देखने को मिल सकते हैं कि मोमेंटम से निकलेगा। तो बाकी अगर ये यहाँ पे रिजेक्शन लेता है कहीं भी सेलिंग आने लगती है जगह, तो वापस से रिवर्सल ले लेगा यहाँ से नीचे आने के लिए। और पहला अगर इसने बेस तोड़ दिया 44,758 का, तो फिर ये 44,578 वगैरह के लेवल आराम से देखने को मिल सकते हैं। उसके बाद फिर नेक्स्ट टारगेट आएगा हमारा यहाँ पे ये वाला 44,421 का, ये टारगेट देखने को मिल जाएगा। उसके बाद फिर 44,256 ये लेवल आराम से बैंक निफ्टी दिखा देगा, जितना तेजी से बढ़ा है ये एक बार अगर गिरने पाएगा तो ये लेवल सारे कवर कर लेगा यहाँ पे जितनी भी रेंज है ये वाली। इस उसके लिए प्लान करना एक बार देखना उसमें यहाँ पे अगर मोमेंटम मिलता है। अब हम बात करते हैं सीएनएक्स फाइनेंस का। सीएनएक्स फाइनेंस का एक बार डेली टाइम फ्रेम पे देखो ओवरबॉट हो चुका है और सब, उसमें भी अगर थोड़ी बहुत ऊपर गैप अप होता है ऐसा कुछ होता है तो वापस से वहाँ पे एक बार सेलर्स एक्टिवेट हो सकते हैं। इसमें अभी एक पैटर्न देखते हैं, चार्ट देखते हैं यहाँ पे क्या लग रहा है। ऊपर का रिजेक्शन लेवल है 20,250 के आसपास, और ये सपोर्ट लेवल है यहाँ पे 20,180 के आसपास का। ये लेवल ब्रेक करेगा तो 20,122 का टारगेट देखने को मिल सकता है, फिर 20,070 के आसपास का टारगेट, फिर 19,980 के आसपास का टारगेट, ये इसमें टारगेट जाएंगे यहाँ पे। और कहीं ना कहीं पैटर्न बना रहा है ये थोड़ा बहुत है ना, जैसे आप नीचे की तरफ होता है राउंडिंग बॉटम, तो ये ऊपर की तरफ यहाँ पे हो रहा है राउंडिंग टॉप करके जा रहा है यहाँ पे ऊपर की तरफ। यहाँ पे ये थोड़ा सा कर्व लेके नीचे आ सकता है, सेलर एक्टिवेट हो सकते हैं यहाँ पे इस पैटर्न के साथ। देखो जैसे ये पैटर्न बनाया राउंडिंग बॉटम का, ये कर्व लिया, अभी जस्ट रिवर्सल यहाँ पे दिख रहा है यहाँ पे इस कंडीशन के हिसाब से, ये नीचे से इस तरीके से आ सकता है वापस एक बार इस जगह के आसपास, इससे ये बनाता इस तरीके से। तो वो चीज़ का थोड़ा सा ध्यान रखना है यहाँ पे ऐसे में। जहां तक कंडीशन में लग रही है ये स्टॉप लॉस इसका रहेगा यहाँ पे, अगर पोजीशन कोई बैठा हुआ है तो 220,260 तक के आसपास, थोड़ा सा 10-15 पॉइंट ऊपर नीचे रखना है यहाँ पे, वहां तक स्टॉप लॉस रहेगा। और ये नीचे यहाँ पे टारगेट यहाँ पे ये देखने को मिल सकता है इस कंडीशन में यहाँ पे ऐसे में। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक यू फ्रेंड्स।